पंचतीर्थ हरिद्वार में स्थित 5 तीर्थ हैं, गंगा द्वार, कुशवर्त, कनखल, नील पर्वत, बिल्वा तीर्थ को ही पंचतीर्थ के नाम से जाना जाता है। लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट पंचतीर्थ, कोई बात नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं हूं आपका होस्ट सुशील सिंह और आप देख रहे हैं यात्रा द ट्रिप। दोस्तों, हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी वह स्थान है जहां पर अमृत की बूंदे गिरी थी। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। पूरे भारत से भक्त और तीर्थयात्री पवित्र दिनों में, त्योहारों में यहाँ पर स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करने के समान माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि भगवान विष्णु स्वयं यहाँ आए थे। भगवान विष्णु के चरण इस स्थान पर पड़ने के कारण ही इस स्थान का नाम हरि की पैड़ी के नाम से जाना गया, जो वर्तमान में हर की पौड़ी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस स्थान को हरिद्वार का हृदय स्थल माना जाता है, क्योंकि गंगा जी पर्वतों को छोड़कर इसी स्थान से मैदान में प्रवेश करती हैं। इसीलिए इस स्थान को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह यह गंगा द्वार, या यूं कहें हर की पैड़ी, पंच तीर्थों में से एक हो जाता है। हर की पौड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित है माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर सती या अवतार देवी माया को समर्पित है। प्राचीन कथाओं के अनुसार देवी सती की नाभि और हृदय इस स्थान पर गिरे थे, इस कारण यह तीर्थ बहुत ही पवित्र और पावन हो जाता है। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और यह हो जाता है पंच तीर्थों में शामिल। जी हाँ दोस्तों, माया देवी भी पंच तीर्थों में से एक तीर्थ है जो कि हरिद्वार में स्थित है। 11वीं सदी में बना यह मंदिर एक सिद्धपीठ भी माना जाता है। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक यहाँ दर्शन करने आप आ सकते हैं। हरिद्वार के कनखल में स्थित दक्ष महादेव मंदिर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और हरिद्वार के 5 तीर्थों में से भी एक है। भगवान शिव की आराधना करने वाले भक्तों के लिए यह एक पवित्र तीर्थ है। मंदिर में मुख्य रूप से भगवान शिव और माता सती की पूजा की जाती है। दोस्तों, मंदिर का नाम माता सती के पिता राजा दक्ष के नाम पर रखा गया। दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी इस मंदिर को जाना जाता है। मुख्य मंदिर के बाईं ओर यज्ञ कुंड और पवित्र घाट है, जहां भक्त आते हैं और पवित्र पावन गंगा नदी में स्नान करके अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक मंदिर में किसी भी समय आके आप दर्शन कर सकते हैं। हरिद्वार में स्थित मनसा देवी मंदिर माता मनसा देवी को समर्पित है और एक प्राचीन मंदिर है। माता मनसा देवी को शक्ति का ही एक रूप माना जाता है। इस मंदिर को बिल्वा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर 5 तीर्थों में से एक है और एक सिद्धपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर तक सीढ़ियों द्वारा या फिर रोपवे द्वारा पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक है। हरिद्वार का चंडी देवी मंदिर माता चंडी देवी को समर्पित है और हरिद्वार में स्थित 5 तीर्थों में से एक है। इस टेंपल को सिद्धपीठ के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। चंडी देवी मंदिर भी ट्रैक करके या फिर केबल कार द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, इस मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह 7 बजे से रात्रि 7 बजे तक है। माता चंडी देवी का यह सुप्रसिद्ध मंदिर गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर शिवालिक श्रेणी के नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है। स्कंद पुराण के अनुसार स्थानीय राक्षस राजाओं शुंभ निशुंभ के सेनानायक चंड मुंड को देवी चंडी ने यही मारा था, जिसके बाद इस स्थान का नाम
चंडी देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। टेम्पल के अंदर जो प्रतिमा स्थापित है बताया जाता है कि वह 8वीं सदी की है। तो दोस्तों यह थे हरिद्वार में स्थित 5 तीर्थ। आपने इन्हें यदि विजिट किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और जो लोग यहाँ घूमने जाना चाहते हैं उन भक्तों को कर दीजिएगा शेयर। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी नई जगह और नए वीडियो के साथ। अभी के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार। कीमती समय निकालकर वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।